नमस्ते ब्रज छारी बुड़ा, आपका स्वागत है। आज खड़े हैं भाई इंडिया की फेमस एसयूवी के सामने जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन। भाई टॉप रेट में आपको दिखा रहा हूँ आज मैं। कौन सा वेरिएंट आपको दिखाऊंगा? जरूर लग्जरी वाला है कि W8 वेरिएंट है? जो W8 आता है ना भाई मैनुअल ऑटोमेटिक में, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है? हाँ देखो ऑटोमेटिक का है भाई, फोर व्हील ड्राइव वाला लग्जरी पैक। आज आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा भाई, कैसी गाड़ी है कैसी नहीं है। और आज इस गाड़ी के मामले में ना भाई, गाड़ी ने तहलका सा मचा रखा है, ठीक है। इस गाड़ी ने तहलका सा मचा रखा है, ये चीज़ है भाई। बिग डैडी ये जो है ना, बाकी में स्कॉर्पियो ऊंची नीची भाई, डायमेंशन आपको पूरा डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मैं आपको शो कर दूंगा डिस्प्ले पे, आप देख लेना अपने हिसाब से भाई। देखो ऑटोमेटिक के अंदर मिलते हैं भाई 18 इंची के अलॉय व्हील, और मैनुअल में मिलते हैं भाई 16 इंची के अलॉय व्हील। 5 मिनट के साथ आती है भाई चिड़िया का लोगो। आ हा हा हा, ये चिड़िया जो तब दिखती है ना भाई, मज़ा सा आ जाता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। 18 इंची के इसके अंदर अलॉय व्हील मिलते हैं। फेयर इंडिकेटर आपको ORPM पे ही मिलेंगे, आप देख सकते हो भाई। वो मतलब स्कॉर्पियो का भाई तोड़ा जो है ना भाग में भाई, ब्लैक कलर के अंदर अलग ही चमता है इसका। ये देखो ग्राउंड क्रोम डोर ना आप 50-50 दिए गए, देखो है टक टक, पता ही नहीं पड़ता लॉक हो गई। देखो लो अनलॉक, तो ये चीज़ आधी आधी इसके अंदर दिए गए। देखो हाँ, लोअर गार्निश आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलती है, रूफ रेल आपको यहाँ मिलती है। आप मतलब यार चढ़ने के लिए भाई इस गाड़ी को कुछ बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो स्ट्रेचिल वगैरह सारी चीज़ें इसमें ना दी गई है। देखो ब्लैक कलर की टेल लाइट आपको ऐसी दी गई है, ये भी आप देख सकते हो, टेल लाइट आपको ऐसी दिखती है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग रॉयल पे पास हूँ मैं, रॉयल महिंद्रा रॉयल के पास हूँ मैं, तो ये स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, ये आप देख सकते हो। टेल लाइट आपको ऐसी मिलती है, देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ एक बार तो जल्दी। देखो आ हा हा, ये चीज़ देखो, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। देखो लाइसेंस प्लेट की लगे, कैमरा वगैरह साथ से रियर बाई फ्रंट वगैरह इसके अंदर आता है, देख सकते हो आप ये चीज़ भी। देखो भाई इतना बड़ा सा ये चीज़ दिखती है, चलो अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना रूफ रेल वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर, साफ एंटीना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है भाई। ये मुझे जो लगता है ना तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। देखो रियर का खोल के दिखाता हूँ, अरे खुल गया, अरे यहीं से खुल जा भाई तू, अरे तेरी तो हाँ अब खुली। बिग डैडी भाई ऊंची नीची कितनी बड़ी है यार, ऊंचे चढ़ने के लिए करने के लिए लेदर सीट कवर इसके अंदर मिलते हैं। देखो ऐसी मिलती है भाई, ये चढ़ के दिखाता हूँ, बैठ गया। ये देखो हाई सपोर्ट, देखो एसी बैंड के लिए अलग से ही आपको वो दिया गया है, एसी बैंड आमरस वगैरह आपको फिक्स मिलता है इसके अंदर, ऑटोमेटिक में आती है। ये देखो सामने का डैशबोर्ड देखो, बिग डैडी के अंदर बैठा हूँ, सनरूफ, ये चीज़ है। पीछे दिखाता हूँ आपको, देखो पीछे हेडरेस्ट भी आपको बीच में दिया गया, छोटा सा क्यूट सा, दो कप होल्डर है। हाँ बिग डैडी है भाई। देखो ये अपने सीट कवर की कंपनी के बैजिंग लगी हुई है। चलो एयरबैग एक दो, और अपने एक यहाँ पर 3, 4, 5, 6 एयरबैग के साथ आती है। चलो सेफ्टी के मामले में बात करते हैं, इसको सेफ्टी क्या क्या आती है। इंजन ऑयलाइजर इसके अंदर आता है, हेलिस्टोन के अंदर आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर, फोर व्हील ड्राइव इसके अंदर आता है। और यहाँ पर जो बटन दिए गए ना भाई, देख सकते हो क्या काय के बटन दिए गए, देखो यार बहुत सेफ्टी है इस कार के अंदर, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। सनरूफ वगैरह आपको सारी चीज़ खोल के दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। देखो बूट स्पेस ऐसा दिखता है, अब एक्चुअली पीछे गाड़ी खड़ी हुई इस तरीके का आपको दिखा नहीं सकता। देखो स्पीकर 8 स्पीकर में सिस्टम से मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 स्पीकर में सिस्टम मिलता है इसके अंदर। चलो इधर की बात हो गई पूरी, उतरने के लिए भाई स्ट्रेप्स भी दिए गए इसके अंदर, देखो हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलो ड्राइवर साइड डोर खोल देखते हैं। ये देखो ड्राइवर साइड डोर आपको ऐसा मिलेगा, चारों पावर विंडो, पावर विंडो कंट्रोल पकड़ने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, ये सारी चीज़ें भाई अल्टीमेट दी गई हैं। देखो आ हा 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 हा, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट सीट, ये लंबर सपोर्ट के लिए कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये आगे पीछे, ठीक है। चलो चढ़ते हैं भाई,
पकड़ने के लिए ये भी दिया गया है, देखो पकड़ने, ड्राइवर यहाँ से चढ़ेगा और ऐसे करके बैठेगा, ये चल इसको पीछे कर लें एक बार, हाँ ये सही है, ये ठीक है। 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, हॉर्न सुनते हैं एक बार, पों पों, ये चीज़ अच्छी है। देखो एडजस्ट स्टॉप बटन, बीम एडजस्ट करने के लिए अपना कुछ ट्रक्शन कंट्रोल वगैरह, ये अपना लेंथ चेंज करने के लिए, ठीक है ये लेंथ वगैरह चेंज करने के लिए। ये लाइट का टॉगल इसको ऑन कर लेते हैं एक बार, हाँ ये लाइट का टॉगल इसको बंद करना है एक बार, ये लाइट का टॉगल, ये वाइफर का टॉगल, ये अपना म्यूजिक सिस्टम। अब खोलते हैं भाई इसको, खुल जाओ भाई, हाँ चलो भाई ठीक है। ये भाई इसका सनरूफ, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से अपना बंद हो जाता है, ठीक है ये अपना बंद हो गया, ठीक है ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला है भाई, अपना ये सादा चलता है और ये अपना बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो गया। ये चीज़ के सनरूफ है, देखो ऊपर खुल गया नीचे खुल गया, ये चीज़ इसके अंदर है। सनरूफ वगैरह काफ़ी अच्छा लगता ही है, ठीक है बंद कर देते हैं इसको। अरे हो जा भैया, हाँ हो गया भैया, मैनुअल है ना, चलो इस तरह आते हैं। सिस्टम के कंट्रोल, अपने MID वगैरह का कंट्रोल यहाँ से अपनी चेंज होती है, देखो देखो सारी चीज़ दिखाता है भाई ये अपने ट्रक्शन कंट्रोल वगैरह, मीनी वगैरह चेंज करने के लिए, देखो कितना क्या नहीं है, ये अपनी चेंज करने के लिए, देखो ABS EBD वगैरह इसके अंदर आते हैं, सारे फिंचंग आते हैं इसके अंदर भाई, इसको कम कर दे एक बार, चलो ये इस तरह PCB नहीं कंट्रोल, चार इधर मिलते हैं, बूफर मिलता है यहाँ पे, एक पीछे बूफर मिलता है, ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगी, ये गियर, हैंड ब्रेक, फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम, देखो ये फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम है इसमें, उसमें आपको दिखाता भी है कौन सा किसमें क्या लगा है। ये मेरा सिस्टम है इसका भाई, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसमें वो भी सिस्टम आता है। एलेक्सा ओपन सनरूफ, एलेक्सा एक्टिवेट नहीं है भाई, छोड़ो इसको, ये चीज़ है। ग्लो बॉक्स की बात करें, ए भाई खुल जा, ऐसा आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, एयरबैग आपको यहाँ भी मिलता है, देखो सॉफ्ट टच, यार महिंद्रा जो चीज़ बनाई ना बाकी में अच्छी बनाई है। ORBM मैनुअली मिलता है, देख सकते हो आप, सनग्लास होल्डर यहाँ पर आता है, ये दो लाइट, वो तो बंद है क्या, अरे भाई चलो यहीं से चलती है तो लाइट, रीडिंग लाइट, माइक, सनसेट वैनिटी मिरर लाइट के साथ, देख सकते हो आप, इधर देखो लाइट के साथ, इधर नहीं लाइट, ये स्पीकर, ये मिलेगा आपको एक छोटा सा क्यूटी पाई ये है भाई, कैसी लगी बताना ज़रूर। इधर से आपको दिखा दिया, आमरस आपको ऐसा मिलता है, इसमें भी छोटा सा स्पेस कोई नहीं दिया गया, हैंड ब्रेक आपको ऐसा मिलता है, ये आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, यहाँ पे आप वायरलेस चार्जर अपना कर सकते हैं यहाँ से अपना, ये यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये बूट खोलने के लिए, अपना EPS वगैरह के लिए, अपना ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, अपना सारे चीज़ हैं इसके अंदर, ये अपना AC कंट्रोल, देखो कैमरा चालू हो गया इससे, देखो ये हो जाए, देखो इस तरफ का फ्रंट कैमरा चालू हो गया, इसके अंदर 360 कैमरा नहीं आता, बस इसके अंदर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बैक और रियर का आता है, देखो इसमें यहाँ पे कैमरा नहीं आता, यहाँ पे कैमरा नहीं आता, इसके अंदर बैक और रियर का कैमरा आता है बस, ठीक है ये फ्रंट कैमरा, इसके अंदर रियर कैमरा कहाँ से चालू होगा भाई, रियर ना होता है इसके अंदर, रियर तो बैक लगाने के लिए। ये अपना सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, ये पूरी सेटिंग यहाँ से, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, देखो ये बैलेंस फेडर कितना चाहिए आपको, कितना नहीं चाहिए, ये चीज़ है,
देखो एसी कंट्रोल कहाँ पे आपको एसी चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी डिस्प्ले सारे दिखाता है कहाँ पे आपको एसी कंट्रोल चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, वो अभी आपको सारी चीज़ें दिखाता है। एसी बंद हो चुकी है, ठीक है एसी बंद, यहाँ से चालू करोगे तो एसी चालू हो जाएगी इसमें। ये टेम्परेचर का और ये अपना फ़ैन का, ठीक है ठीक है, ये अपना फ़ैन वाला हो गया, ये चीज़ें। चलो ये सब बूफर हो गया अपना। आप सेफ्टी वाली बात कर रहे हैं, सेफ्टी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? क्या बज रहा है? सुर हाँ तू चल रहा है, तू ही बंद हो जा भाई, सुर। ये अपना पीछे वगैरह जाने के लिए, इस चीज़ के लिए। चलो अब दिखाता हूँ इसका इंजन भी और सेफ्टी आपको बात करता हूँ, सेफ्टी के अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर ABS, EBD, हिलर्स कंट्रोल, ट्रक्शन कंट्रोल और 4x4 मैनुअल और ऑटोमेटिक के दोनों अंदर आती है, ठीक है। ये इंजन भी खोलते हैं, इसका इंजन भी कहाँ से खुलता है? ये खुलता है इसका इंजन भी। और दो पैडल आपको यहाँ मिलते हैं, अपना ये डेड पैडल और ये अपना ट्रक्शन कंट्रोल के लिए। सीट एडजस्टर यहाँ पे मिलती है, एसी मिलती है आपको ये वाली। चलो इंजन भी का इंजन भी खोल के देखते हैं, इंजन भी कैसा क्या है लग गया। चलो इंजन भी दिखाता हूँ आपको एक बार। भाई काफ़ी बड़ा है, वजनदार भी है। चलो ये है भाई 2000 सीसी का डीजल इंजन, और पेट्रोल इंजन में भी आती है और पेट्रोल डीजल में भी आती है। डीजल इंजन में आपको 200 का 200 BHP जनरेट करती है, 367 का टॉर्क जनरेट करती है भाई। टॉर्क वगैरह ठाक ठीक ठाक है इसका, बैटरी वगैरह बॉडी का बोनट भाई 4 स्टार जो मिले हैं ना, बाकी में 4 स्टार इसको मिले गए हैं। और डीजल में भी आपको इतना ही करती, पेट्रोल और डीजल के अंदर दोनों के अंदर आती है। डाल देता हूँ इसको। ये थी भाई अपनी स्कॉर्पियो N, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। ये थी रूफिल वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है इसकी, बढ़िया गाड़ी है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक है। ऑन रोड इसका 27 लाख का आता है, अपने ग्वालियर के अंदर कितने का पड़ता है अपने हिसाब से आप देख लेना। रेट लिस्ट आपको इस पर डाल दूंगा, कितनी क्या है कितनी नहीं है वो भी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। वेरिएंट बाय वेरिएंट की लिस्ट डाल दूंगा आपको, आप पढ़ लेना इस पर। पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, नई आई डिसलाइक करके जरूर जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक सी यू सून, हैव अ नाइस डे।